ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जनवरी मास, वरदानी मास, अव्यक्ति मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास। मास आते ही साकार की यादें आ जाती हैं, मानस पटल पे आकर के सारी स्मृतियाँ याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं। वो दिन भी कितने प्यारे थे जब साकार बाबा हमारे साथ थे या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है। ये मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है, वो बाबा ने एहसास कराया। एक दिन बाबा बोले, बच्ची तुमको 4 मास रहते हुआ तुमने दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ कुछ देखा? मैंने कहा, नहीं बाबा मैंने तो नहीं देखा है। कहा, तुम्हारी इच्छा नहीं होती? मैंने कहा, आप जब बोलेंगे तभी तो जाएंगे, आपने भी नहीं कहा बाबा। बड़ी सहजता से मैंने कह दिया। तो उसी टाइम पर बाबा ने मुझे एक भाई के साथ भेजा और बोले, इसको जाओ, जा करके पूरा सब दिखा के आओ। तब कोई साधन सुविधा नहीं होता था, पैदल जाते थे दिलवाड़ा मंदिर। तो एक दिन दिलवाड़ा मंदिर देखने गए, लौट करके आए तो रास्ते से पहाड़ियों से चेरी तोड़ कर लाए थे, पत्तल बना के दो नाम। बाबा को पता था कि ये जो जाता वो ले आता है, और हम लोगों ने आपस में मिल करके सबने खा लिया। शाम को बाबा ने पूछा, बच्ची तुम देख के आई, क्या देख के आई? तो एक बाबा ने मर्यादा सिखाया, परिवार की मर्यादा क्या होती है। मैंने बताया तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो, पहली बात तो जिसने तुमको भेजा देखने के लिए, वापस आ करके उसको सारा समाचार सुनाना है और क्या क्या देख के आई। दूसरा, जो तुम चेरी लाई वो कहाँ है? मैंने कहा, बाबा बांट खा लिया। बाबा ने कहा, नहीं, परिवार में जो बड़ा होता है उसको दिखाना होता है क्या ले आई। बाप दादा तो बच्चों को बादशाही देता है और सारी बादशाही बता देता है, सब स्पष्ट कर देता है मेरी राजाई में क्या क्या है, क्या मैं दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे चेरी तक भी नहीं दिखाए, ये मर्यादा नहीं है। तो बाबा ने एक मर्यादा भी सिखाया, और एक हमारा परिवार है और बड़ों को दिखाना है, वो हमारे को सीख मिली, और आज तक भी वो सीख मेरे जीवन को साथ दे रही है। मैं कहीं भी जाती हूँ, किसी भी सेवा केंद्र पे जाती हूँ या कहीं शॉपिंग किया होगा, उस सेवा केंद्र की बहन को सारा लाके दिखाया होगा कि देखिए ये हमको गिफ्ट में मिला और ये हमने खरीदारी की है। तो बाबा की सीख ये मिली मुझे।